सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज़ योर जर्नी, योर सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्टली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन. Thank you, ma'am, and say to hi to everyone. My name is Surjit Singh. I have completed my graduation from Dr. K. N. Modi Institute of Engineering Technology, Ghaziabad in 2013. After that, qualify the GATE exam in 2013 and take admission in MTech, National Institute of Technology, Hamirpur. After the completion of post-graduation, I have joined the Panipat Institute of Engineering Technology as an assistant professor for 2 years. After completion of 2 years, I have qualified the NET exam in July 2018 and also prepare for the government technical exam. After the completion of NET exam qualification, I have applied for the JP University Solan Bhatnagar. Now currently I am working in JP University as an assistant. Okay, so thank you for your introduction purpose. Okay, sir. Now we will discuss how to prepare for this exam or any other exam. Like you cleared UP Polytechnic Lecturer exam, DSSSB में भी आपका अच्छा स्कोर रहा. तो उन सभी एग्जाम्स की आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या रही, आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जिससे आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाए? जी मैम, मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगी, स्टार्टिंग इन द आफ्टर द 2015 स्टार्ट द टेक्निकल एग्जाम प्रिपरेशन. तो बेसिकली इन स्टार्टिंग में लैग कर रहा था कि हमारी प्रैक्टिस कम थी. ऑब्जेक्टिव की कॉन्सेप्ट क्लियर थे, बट आप जब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो वहाँ लैग कर रहा था. बट स्टूडेंट के लिए यही सजेशन है कि फर्स्ट आप बेसिकली बुक्स को स्टडी करिए, कोर बुक्स जो भी है हमारे सब्जेक्ट्स की. उससे बेनिफिट ये कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं. मे बी आपसे क्वेश्चन पे अप्लाई ना हो, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. बट आफ्टर सम टाइम आई हैव वॉच सम वीडियो ऑफ योर प्लेटफॉर्म यूजीसी ज्ञान नेट, तो वहाँ से मुझे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का एक मोटिवेशन मिला कि हमें ट्राई करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए. तो स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ 2015 टू 18 बस कोई ऑब्जेक्टिव कोई प्रैक्टिस नहीं, मैं जस्ट नॉर्मल एग्जाम देता था, बट स्कोर इतना अच्छा अचीव नहीं हुआ. बट आफ्टर 2018 जब मैंने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया, तो फिर एक अप्रोच क्लियर हुई कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए. दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जब आप बेसिक बुक्स पढ़ते हो तो आप एलिमिनेट बहुत ईजीली कर लेते हो. क्वेश्चंस में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं उसमें ईजी टास्क हो जाता है. प्रैक्टिकल के लिए तो डेफिनेटली आपको बुक्स फॉलो करनी चाहिए, बट थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी करनी चाहिए. जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे, मैं जस्ट लाइक कि कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई, या फिर मैं कहूँ कि मेरा मैंने स्टार्टिंग में मुझे डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पे भी इतना कमांड नहीं था, बट मैंने धीरे धीरे उनको स्ट्रॉन्ग किया. तो मैं स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूँगा, जो आपके वीक सब्जेक्ट है कंपटीशन से पहले उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करें. तो जो सब्जेक्ट वीक होता है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए आपके अकॉर्डिंग? आपने कैसे स्ट्रेटजी फॉलो किया जिससे आपने उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया? मैंने तो स्मार्ट स्टडी किया कि मैंने जब मुझे लगा कि ये मेरे वीक सब्जेक्ट है, तो मैंने उनके ट्यूटोरियल्स या जो ऑनलाइन वीडियोस हैं उनसे उनके ऑब्जेक्टिव्स को करना स्टार्ट किया. तो जरूरी नहीं कि आपके जितने क्वेश्चन आते हैं वीक सब्जेक्ट के वो सारे कर लो, अगर टू भी हो जाते हैं तो इट्स बेनिफिट बिल्कुल एवरी स्टूडेंट. क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो तो डेफिनेटली होते ही हैं, उनमें आपकी कमांड ऑलरेडी है, तो आपको उनका तो सिर्फ एक बार रिविजन करना होता है. बट मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की, हमेशा वीक सब्जेक्ट को पहले कवर किया फॉर एग्जाम, और स्ट्रॉन्ग वाले को मैंने जस्ट रिवीजन किया 120. तो इससे पहले मैंने डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस का दिया था, 121 मार्क्स थे, तो मिस द अपॉर्चुनिटी. आफ्टर दैट यूपीएससी डीपीए का था, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, वो रिटन क्वालिफाइड है, उसका भी इंटरव्यू प्रोसेसिंग में है, अभी नहीं आई है डेट. उसके बाद मैंने यूपी बीएससी लेक्चरर का दिया था, 6 मार्क्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम ऑलमोस्ट जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो 70% का टारगेट होता है, बट यूपीपीएससी लेक्चरर में 70% नहीं गया है कट ऑफ. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 50 और 55 के बीच में है. उसके बाद मैंने एक साइंटिस्ट सी का भी एग्जाम दिया, नीलेट जो एनआईसी कराती है, वो भी क्वालिफाई है, बट उसमें नॉट टेक था, टेक्निकल पार्ट नहीं था. तो बेसिकली मेरी स्टूडेंट को एक ही सजेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो तो है ही है, जो वीक है उस पर फोकस करें.
यानी कि वही जो चीज़ हम करते हैं कि हाँ भाई जो सब्जेक्ट आता है उसको तो आपको पढ़ना है ही है, लेकिन जो नहीं आता कम से कम उसके बेसिक कर लो ताकि 2 या 3 क्वेश्चन कुछ तो आप लगा पाएं। ऐसा मत करो कि बिल्कुल मैम, बिल्कुल ही हाँ ड्रॉप कर वही, दो। हर स्टूडेंट 50% तो पहुंच ही जाता है, लेकिन जब 50 to 60 जाता है तो वो सिर्फ जो वीक सब्जेक्ट है वही वो जो लग लास्ट पाता का क्राइटेरिया होता है 2 to 4% का, वही नहीं अचीव हो पाता है स्टूडेंट से। बिल्कुल मैम। मैं फिर लास्ट 3 ईयर में मैं वही अचीव कर, मैंने साइंटिस्ट सी का दिया, साइंटिस्ट बी इलिट का दिया, तो मैं मेरी रैंक आई थिंक 252 या कुछ समथिंग थी, फिर मैंने उसके साथ में साइंस टेक्निकल असिस्टेंट भी था, तो मुझे लग रहा था कि मैं बाउंड्री पे चल रहा हूँ, मैं क्यों चल बिल्कुल रहा था, क्योंकि मैं वीक सब्जेक्ट को अभी स्टडी नहीं कर रहा था, मैं स्ट्रॉन्ग पे जाता तो स्ट्रॉन्ग को भी जाते, बट जो कवर नहीं हुए ना तो उनसे हमें ये लगता है उनको एटलीस्ट करना चाहिए एक दो पार्ट, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल चाहे आप डीप ना करो लेकिन स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग सब वीडियो, जस्ट लाइक कि मैं कभी डेटा डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं किया आफ्टर द बीटेक, लेकिन आपके वीडियो से जब मैंने क्वेश्चन लगाया तो मुझे पता मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन मैंने कभी अप्रोच ये नहीं लगाया कि मुझे डीप में पढ़ना है, उसके बेसिक से मैंने कवर किया, मेरा तो यही सजेशन है कि, और बहुत इम्पोर्टेंट ये कि आप जब ऑब्जेक्ट किसी वीडियो को वॉच करते हो किसी भी फैकल्टी के या किसी भी ट्यूटर के, तो आपको एक अपनी अप्रोच भी पता चल जाती है मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का? इंटरव्यू का मैम एक्सपीरियंस इस बार गुड, मैं गया, मैंने आपको बताया कि मैं तो ऑलरेडी 22 को वहाँ पहुँच गया था इलाहाबाद, फिर मैंने संगम स्नान किया, उसके बाद मैं 23 को मॉर्निंग में गया, मैं वहाँ तो मैं रिलैक्स था, क्योंकि वहाँ मैंने देखा स्टूडेंट काफ़ी टेंस थे, तो मुझे पता था कि टेंस होने से भी कुछ नहीं होना है, बिल्कुल लेक्चर बिल्कुल में क्वेश्चन सबको रैंडम आने, और वहाँ एक पैनल नहीं था, शायद 3 या 4 पैनल्स या 4 पैनल्स थे आई थिंक कंप्यूटर साइंस के लिए, तो मैं जस्ट गया तो मेरा शायद साक्य सर का पैनल था, तो कॉल हुआ, मैं एंटर किया, तो मैं मिस करना भी भूल गया था, एजिटेशन में थोड़ा सा जो नर्वसनेस थी, उन्होंने मुझसे स्टार्ट किया कि आप वर्क कहाँ करती हो, मैंने फर्स्ट बताया कि मैं जेपी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करता हूँ, ओके, तो वो पहले तो मेरी पर्सनैलिटी को देखते हुए जो उन्हें गेटअप था उसके बेस पे किया कि पर्सनैलिटी और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बेसिक सा एक सिंपल सा आंसर दिया कि पर्सनैलिटी आप इंस्टेंटली कभी भी डेवलप कर सकते हो लेकिन करेक्टर इंस्टेंटली नहीं हो सकता, करेक्टर डेवलप करने में एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि हम अपने पूरा लाइफ ही अपनी हम करेक्टर बनाने में लगा देते हैं, बिल्कुल क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स है कि करेक्टर आपका रिवन बहुत जल्दी होता है इंस्टेंटली, बट आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हो। फिर उनका सेकेंड क्वेश्चन था आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, मैंने कहा यस सर एम टेक ऑलरेडी कम्प्लीटेड है, मैं पीएचडी परस्यूइंग हूँ, तो फिर उन्होंने बोला कि आप पीएचडी परस्यूइंग हो तो फिर मुझे डिफरेंस बताओ, मैनी स्टूडेंट मैनी कैंडिडेट्स कहते हैं कि मैं आई एम डूइंग पीएचडी, आई एम वर्किंग ऑन पीएचडी और आई एम परस्यूइंग पीएचडी, तो थोड़ा सा मैं नर्वस था, मैंने 1 मिनट का टाइम लिया, फिर मैंने रिप्लाई दिया, मैंने कहा सर जो पीएचडी का टास्क है वो एक डेडिकेटेड वर्क है, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड वर्क है हमारा, इसलिए हम उसको बोलते हैं हम परस्यू करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्टिव, और डूइंग तो यह है कि आप कोई भी काम कोई भी चीज़ को कर रहे हो, हमें नहीं पता उसका क्या एंड है, बस वर्क करे जाते रहे, तो फिर वो हंसने लगे, फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया आपकी प्लेस क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो मैंने कहा सर मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ, ओके, फिर उन्होंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन चेयरमैन सर का ही क्वेश्चन था कि सिलिकन वैली टर्म सुनी, मैंने कहा डेफिनेटली सर सुनी, तो इसका क्या मीनिंग है, मैंने कहा सर सिलिकन वैली का मीनिंग ये है हमारी इंडिया में बेंगलोर को हम सिलिकन वैली बोलते हैं, जो भी आईटी इंडस्ट्री हमारी सेटअप है, तो जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस वो सिलिकन की बनी हुई है, जो उनकी चिप्स हैं वो सिलिकन पे बनी, इसलिए हम उसको सिलिकन बोलते हैं सिलिकन वैली बोलते हैं, तो सुनते फिर उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट को पास कर फॉरवर्ड दिया, कर दिया। तो टेक्निकल एक्सपर्ट ने पहले तो मुझे लगा कि वो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पूछेंगे क्या हमको नॉलेज है, बट स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ फर्स्ट कि आप बताओ कि आपके पास आपको एक लैब सेटअप करनी है 10 कंप्यूटर्स की, तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने बेसिक सा एक आंसर दिया, मैंने कहा सर जो आपकी फर्स्ट थिंग तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक तो आपके पास लैन केबल्स होनी चाहिए, पोर्ट्स होने चाहिए, आपके पास ब्रिज कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक बस होनी चाहिए प्रॉपर, अगर आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करते हो तो एक मैक एड्रेस हर एक डिवाइस पर जनरेटेड होगा, और मैंने और कुछ मैंने कहा जी सर स्विच भी होंगे जो उनको कनेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं, क्या दिस स्विच
और कुछ नहीं होगा मैम जी। अगर हम आउटसाइड द नेटवर्क अगर हम कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो एक गेटवे की नीड होगी, जिस पे हमें गेटवे आईपी लगाना पड़ेगा। तो फिर कहते हैं ओके, फिर उन्होंने मुझे लगा कि टेक्निकल के और बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बट उन्होंने फिर सिक्योरिटी की तरफ मूवमेंट स्टार्ट किया कि टाइप ऑफ अटैक्स क्या होते हैं। तो मैंने बेसिकली रिप्लाई किया, मैंने ऑलरेडी मैंने टीच किया था लास्ट सेमेस्टर में डिजिटल फॉरेंसिक को, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। मैंने कहा सर दो ही टाइप के होते हैं, आप सिस्टम को हैक कर सकते हो या नेटवर्क को हैक कर सकते हो। सिस्टम में अगर हम करते हैं तो अनऑथराइज्ड एक्सेस जो हम करते हैं वो हमारे अटैक्स का पार्ट है। नेटवर्क में हम क्या कर सकते हैं कि ईवड्रॉपिंग या हम कुछ नेटवर्क में जो इन्फॉर्मेशन हमारी पास हो रही है उसको चेंज करें। तो दो ही टाइप के पॉसिबल, या हम उसको ब्रेक कर दें नेटवर्क को, तो उसमें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है। जैसे ही मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक पूछा, उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है। तो मैंने उनको एक कैफे का एग्जांपल दिया, मैंने कहा सर जो कैफे में हम यूटिलाइज होता है वो सिस्टम्स हमारे क्या होते हैं कि कॉमन डेटाबेस को शेयर करते हैं, जहाँ एक जो सेंट्रल कैफे में ऑनर होता है उसके पास सारा डेटा होता है। तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम भी यूजर भी यूटिलाइज कर रहे हैं, जो क्लाइंट है और हमारा जो ऑनर है उसके पास भी सारा डेटा है। वो एक एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर कहते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट के, तो मैंने पहले तो मैं सोच रहा था कि ना ही बताएं क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा कंप्यूटर नेटवर्क को छोड़ के मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम सर, डीबीएमएस, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, आई थिंक उनको तीनों में कोई इंटरेस्ट था नहीं। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि वाईफाई और ब्लूटूथ में क्या डिफरेंस। तो मेरी एमटेक मोबाइल कंप्यूटिंग में थी, तो मैंने उनको एक प्रॉपर सा आंसर दिया कि सर ब्लूटूथ जो है वो मास्टर स्लेव पे वर्क करता है, जिसमें 1 to 7 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। वाईफाई से थोड़ा सा लार्जर डिस्टेंस पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स हम उन पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो कहते और कुछ महंगा सर, जो IEEE स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है वायरलेस के लिए। जो हम ब्लूटूथ की बात करें 802.11 और 802.15 जो स्टैंडर्ड है डिफरेंट है दोनों के लिए, यूज करते हैं यूटिलाइज करते हैं। ब्लूटूथ के लिए 15 हो, वाईफाई के लिए हम 11 का यूज करते हैं। तो फिर कहते हैं फिर उनका एक ट्रिकी सा क्वेश्चन आया कि उनका लास्ट ये था कि कैसे भी मैं स्टक करूँ कहीं भी किसी क्वेश्चन में। तो फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हम क्यू को डेवलप करना चाहते हैं, क्यू इन द लिंक लिस्ट, सॉरी उन्होंने बोला लिंक लिस्ट में 5 नोड है पर हम 5 नोड को स्टैक से डेवलप करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं पता मैंने सही आंसर दिया, मैंने कहा सर हम स्टैक से, क्योंकि स्टैक का ऑपरेशन सिर्फ टॉप से होता है, उस और पॉप जो भी ऑपरेशन अप्लाई करते हो। लिंक लिस्ट में हमारे क्या होता है कि हम रैंडम उस पर कैसेस कर ही नहीं सकते जब तक हमें नेक्स्ट पॉइंटर नहीं पता है, तो हम उसको तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने रिवर्स क्वेश्चन कर दिया कि हम अगर स्टैक को डेवलप करेंगे लिंक लिस्ट से, तो मैंने कहा वो पॉसिबिलिटी है क्योंकि वहाँ हमें कोई रैंडम एक्सेस नहीं करना, एक ही एंट्री हम टॉप अप से ही निकालेंगे सारे लिए। तो फिर कहते ओके, फिर उन्होंने सेकेंड एक्सपर्ट को पास किया। सेकेंड एक्सपर्ट एक फीमेल कैंडिडेट वो थी मैम, उन्होंने फिर स्टार्ट किया मुझसे। पहले तो वो बहुत देर तक हंसती रही, कहती सर मैं आपका जो बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन इनसे पूछना चाहती हूँ, हम पिछले 2 दिन से पूछ रहे हैं, मुझे लगा कुछ टफ सा होगा। तो उन्होंने पूछा कि इनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन जानते हो क्या होते हैं, मैम टर्म पूछा उन्होंने, ऑपरेशन नहीं होता, इनक्यू डीक्यू होते क्या, ये टाइप ऑफ डेटा डेटा स्ट्रक्चर है कोई, मैंने कहा नहीं मैम ये क्यू के अंदर हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं, तो इसलिए उनको 2 ऑपरेशन देते हैं, इनक्यू और डीक्यू करते हैं। तो फिर उन्होंने जो टफ क्वेश्चन ये था कि सर्कुलर हमारी क्यू में सर्कुलर क्यू है उसमें आपका डिलीशन किस एंड से होगा और पॉसिबल है या नहीं। तो मैंने तो सिंपल रिप्लाई किया नॉट पॉसिबल, मुझे उस टाइम वो नहीं आ रहा था, मैंने कहा नॉट पॉसिबल सॉरी फॉर दैट। तो फिर वो हंसने लगी। फिर वहाँ पे बीच में एक और क्वेश्चन था कि आपको लैंग्वेज के बच्चों को स्टूडेंट को पढ़ाना है कि पॉलीटेक्निक के, मैंने कहा डेफिनेटली मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहा हूँ मुझे आती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक टर्म आती है, सन माइक्रो सिस्टम ने कुछ प्रोजेक्ट किया था। तो फिर मैंने उनको डिटेल में बताया कि मैम जो सन प्रोजेक्ट था वो एक्चुअली रिलेटेड टू जावा था, स्टार्टिंग में वो उसका नेम था, उसके बाद उसको चेंज करके 1992 में सन ने अडॉप्ट किया और जेम्स कॉन्सन उसका फाउंडर था, पैट्रिक नॉर्टन और जेम्स कॉन्सन। तो वो उससे खुश होंगे कि आपने इतनी डिटेल स्टडी की, मैंने कहा मैम इस पर मेरा प्रोजेक्ट था जावा पे। फिर उनका उनका फंसाने वाला क्वेश्चन ये था कि सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, वो मैं एकदम रैंडम क्वेश्चन था तो मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया।
बट मैंने एक बेसिक सॉन्ग को भेज दिया। आई थिंक मैंने थिंक वाली जो टर्म यूज की वो वहाँ गलत थी, लेकिन मैंने बोला मैम ये होता है कि हम दो टाइप की प्रोग्रामिंग करते हैं, एक सिस्टम प्रोग्रामिंग, एक यूजर या एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसलिए सी में हम दोनों पॉसिबल हैं, जहाँ तक मैक्सिमम टास्क जो होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग का वो सी में करते हैं। तो कहती है ओके। तो फिर टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था 17 मिनट्स, 15 टू 17। तो फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये जनरल सर का, मैरिड हो या नहीं, मैं कसन नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर कहते हैं नाउ यू कैन लीव। तो पॉजिटिव था, आपको हेजिटेट, मैं मेरा जो सजेशन है लोगों के लिए हेजिटेट नहीं होना है वहाँ, वो यही देखते हैं कि आप कितना हेजिटेट हो कॉन्फिडेंट रहे हो। हैं। हाँ, मेरे से बोर्ड पे लिखवाया है, तो उन्होंने एक वर्ड दी थी जो पर्सनैलिटी और करेक्टर के ऊपर ही थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, वो उन्होंने बोर्ड पे राइट भी करवाई। ओके। हाँ, वो उनका ये था कि आप कैसे लिखते हो, मुझे आई थिंक उन्होंने और कुछ चेक नहीं किया उसको। उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो गया था। तो जो मुझे लगा कि वहाँ उनको उनको सिर्फ ये देखना था आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, बिल्कुल आपको आता है नहीं आता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और मैंने उनके किसी भी क्वेश्चन पे, वो बार बार यही कह रहे थे ठीक है, मैंने कहा जी सर यही ठीक है जो मुझे आता है। कोई चीज नहीं आती है वो हम सीख जाते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल सिखाने मैम, के लिए उससे पहले हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि हम वहां खड़े हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट थी, या तो रिप्लाई ही नहीं देना था किसी आंसर का, बिल्कुल अगर रिप्लाई दे रहे हो तो या तो आई थिंक और जो डाउट वाली करेक्ट, टर्म है वो यूज ही नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। सोचने वाला कि हाँ शायद हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर वो कंफ्यूज हाँ, करते मतलब हैं, वो आपको आपका वो फिर आंसर फंसा पलटने पे लेते हैं मजबूर उसमें। करते हैं कि आप उस आंसर को हाँ चेंज करें, और जैसे ही नहीं, आपने वो चेंज समझ, किया वो समझ जाते हैं कि ये किसी भी टाइम किसी भी क्वेश्चन को इनकरेक्ट या करेक्ट कर सकता है। तो हाँ अपनी वो लेवल मतलब ऑफ कॉन्फिडेंस स्टेबिलिटी का। रखना बहुत जरूरी है। आपने कई क्वेश्चंस पे जो मैं जो इस टेक्निकल एक्सपर्ट थे, वो हर बार क्वेश्चन पे यही स्टक कर रहे थे कि आप आंसर चेंज करूँ मैं, बट मैंने जो आंसर दिए जो मुझे पता था, क्योंकि जिनको मैं जानता था मैंने सिर्फ वही आंसर दिए बिल्कुल प्रॉपर। बिल्कुल हाँ, मैं मुझे सी जो मिडिल लेवल लैंग्वेज वो स्टक कर रहे थे, तो वहाँ मैंने सॉरी बोल के उसका जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सा दिया था कि सॉरी मैम, बट आई विल ट्राई कि इस तरीके से पॉसिबिलिटी है। एक ये मेरी अप्रोच थी वहाँ। बाकी मुझे जो लगता है कि इंटरव्यू मेरा ठीक अच्छा इंटरव्यू था, कि उनके हिसाब से मुझे कोई निगेटिव नहीं दिखा, तीनों ही चेयरमैन टेक्निकल मेंबर खुश थे, उनकी तरफ से कोई निगेटिव पॉइंट मुझे वहाँ तो विजुअल नहीं हुआ। आफ्टर कंप्लीटिंग इंटरव्यू आपको कैसा लग रहा था कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा या कुछ भी नहीं, या क्या था, क्या रिस्पॉन्स था मैम आपका? जब रिस्पॉन्स ये था, जब मैं अंदर से निकल रहा था तो वाइब्रेशन हो ही रही थी बॉडी में कि पता नहीं क्या है कैसा हुआ है, ये तो हमें प्रिडिक्ट नहीं था। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू मार्क्स मुझे, क्योंकि मार्क्स की आंसर की आई नहीं ऑफिशियल, तो मुझे ये भी आइडिया नहीं कि मेरे मार्क्स है कितने। ये अप्रोक्सीमेशन है अकॉर्डिंग टू सम ऑनलाइन जो आंसर कीज थी और खुद के वेरिफिकेशन से। बट हाँ, ये मुझे था कि मैं कहीं ना कहीं लिस्ट में होगा नहीं, क्योंकि हर बार मैं 200 में आ रहा हूँ अगर टेक्निकल एग्जाम में ऑल ओवर बिल्कुल इंडिया, तो मुझे लगता है कि मैं लिस्ट में कहीं तो होगा। बट पॉसिबिलिटी 31 भी नहीं है कि हाँ मैं ऊपर जाके सिलेक्ट होऊंगा। बट आपके वीडियोस मैंने, मैं आपको जस्ट बताऊं, मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया। जब ये एग्जाम था, हम होली पे घर थे, क्योंकि जस्ट होली के बाद था ये एग्जाम, रिटन एग्जाम 22 या 21 मार्च में था। तो मैं उससे पहले 1 वीक तक मैंने कोई सब्जेक्ट छुआ ही नहीं था, बस मैंने लास्ट नाइट को सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर के यहाँ पे एक वीडियो था वो देखा था। मैंने जो अपनी एक नोट्स की कॉपी है वो बना रखी है, उसको मैंने जस्ट ओवरव्यू लिया था नाइट में, उसके बाद दे रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया, जब जब मैंने प्रिपेयर करके एग्जाम दी, तो वहाँ टेंशन होती है और क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। तो एग्जाम से पहले आपको रिलैक्स रहना है, रिलैक्स टू या थ्री रहना डे छोड़ आप छोड़ दो स्टडी करना, रिविजन करना भी छोड़ दो, क्योंकि मुझे, मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं हर बार रिविजन करता हूँ तो और ज्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इसका आंसर ये होगा, ऐसा मैंने हो। जबकि ये पेपर बड़ा रिलैक्स मूड में दिया गया था, कि मैंने प्रिपेयर ऑलरेडी, मुझे पता था कि टेक्निकल मेरा प्रिपेयर है, उसमें कुछ नया नहीं होना है, जो मुझे लग रहा था कि मैं भूल रहा हूँ उनको मैंने सिर्फ रिवाइज किया था। नहीं, जो टेक्निकल अगर स्ट्रांग है आपका तो कहीं ना कहीं आप स्टैंड कर पाते हैं, तो इसलिए टेक्निकल पोर्शन सेकेंड, अपना स्ट्रांग हाँ करना बहुत मैम, और जरूरी है। दूसरा हिंदी, और मैं जीके की बात करूँ तो जो यूपी बोर्ड, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, 10th और 12th दोनों ही मेरे यूपी बोर्ड से हैं, तो हिंदी वैसे मेरी हाँ ठीक थी, बट कंपटीशन के लिए आपको एक बार स्टडी करना पड़ता है। इससे पहले मैं यूपीपीएससी पीसीएस का एग्जाम दे रहा था, इस बार भी दिया है, तो हिंदी मेरी उसकी वजह से प्रिपेयर थी। पर जीके का भी बेसिक स्टैटिक पार्ट मैंने करंट बिल्कुल नहीं पढ़ा था, स्टैटिक में मेरे 13 से 14 मार्क्स थे, क्वेश्चन ठीक थे, पर हिंदी में आई थिंक 18 या 19 आउट ऑफ 25 ठीक थे।
वो भी एक ब्रिटिश का पार्ट था मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और फर्स्ट पेपर में मैंने 90 अटेम्प्ट किए थे, आउट ऑफ 125 90 करेक्ट है, मेरे अटेम्प्ट 125 किए थे मैंने, बट करेक्ट उसमें 90 थी, तो 35 आई थिंक रॉन्ग थे। सेकेंड में मैंने 120 के आसपास किए थे, उसमें 70 करेक्ट थे और 50 आई थिंक रॉन्ग थे, तो बाउंड्री पे था मैं। सेकेंड पेपर में जस्ट बाउंड्री पे था, क्योंकि 40% का क्राइटेरिया था मिनिमम आई थिंक। क्राइटेरिया हो था। बिल्कुल ऐसा खैर मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 40 से बिलो भी थे, हो सकता है आंसर की अकॉर्डिंग 40 क्रॉस हो रहे हैं जो बिल्कुल ऑब्जर्व किया है, ऐसा मुझे सुनने में, क्योंकि कई जगह ऐसा डिस्कस हो रहा हाँ, था ऐसा मेरे हो को भी सकता है नहीं। आंसर की प्रॉपर उस टाइम पे कौन सा आंसर करेक्ट है, हाँ क्या तो क्या हुआ है, तो वो ये था। बिल्कुल तो मार्क्स भी मेरे टोटल थे 380 के आसपास थे, 380 390 के इन बिटवीन। आप कितने आवर्स की स्टडी करते थे? जैसे स्टूडेंट्स को लगता है 10 घंटे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन है, पाँच घंटे मैंने पढ़ेंगे तो तो भी होगा। मैं टीचिंग करता हूँ, तो ऑलरेडी मैंने कोई डेडिकेटेड स्टडी नहीं की थी। हाँ मैं स्टूडेंट को जो पढ़ाता हूँ जो सब्जेक्ट, उसके लिए मैं टाइम देता हूँ प्रॉपर बिफोर डिलीविंग द लेक्चर, आपको प्रिपेयर होना चाहिए और हर एक बिल्कुल एस्पेक्ट से, चाहे वो आप होता है क्या एक्चुअल में, जब आप स्टूडेंट के सामने जाते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं, तो वो एक ऑब्जेक्टिव को, इससे पहले यही लैग कर रहा था कि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए आपको माइंड लगाना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। बिल्कुल कोई डेडिकेटेड स्टडी नहीं थी, मैंने लास्ट 3 इयर्स में जो सपोर्ट सब्जेक्ट पढ़ाए थे वो मेरे बिल्कुल क्लियर थे, बेसिक्स क्लियर थे, तो वो सारे क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे। लास्ट सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे क्वेश्चन क्लियर ये सबसे थे। अच्छा बट बेनिफिट हाँ रहता है एक टीचर के लिए कि हाँ भाई, वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसका वो स्ट्रांग होता चला जाता है। हाँ अगर आप प्रॉपर वे में उसको हैंडल कर रहे हो बिल्कुल तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसी बेस पे मैंने इससे पहले एक एग्जाम दिया था, वो बाकी टफ था, अच्छे लेवल का था, यूपीएससी का डीपीए का एग्जाम था, ओके उसका लेवल अच्छा था, उसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे, उसमें आपको नॉलेज ही होनी चाहिए विदाउट। तो वहाँ मैं जनरल में आई थिंक वहाँ 150 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए जनरल में, तो मैं जनरल में सेलेक्ट हूँ, बट वहाँ लेवल जो होता है वो एक अच्छे लेवल का अच्छा क्वेश्चन लेवल था। था। हाँ वहाँ कोई सीधा ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था कोई। बिल्कुल तो आपकी ये पूरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी बिल्कुल अच्छा। मैम, आप आप लोग, आपके पेरेंट्स को काफ़ी प्राउड फील हुआ होगा, मैम सो ऑब्वियसली अगर उनको आप भी अपने स्टेट में, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक मेरी तरफ से, यू मैम, और आपको भी अगेन। गवर्नमेंट जॉब की नीड में स्टूडेंट को ही पता है, और मैं एक सजेशन भी, क्योंकि हमने इस पेंडेमिक में सारा देख लिया है, मैं एक अच्छे बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हूँ, बट जब आप ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि हमें गवर्नमेंट के लिए टारगेट करना ही चाहिए, बट गवर्नमेंट के बेनिफिट तब दिखता है जब आप स्टक करते हो कहीं, क्या प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल तो इस पेंडेमिक में हर एक स्टूडेंट ने समझ लिया कि गवर्नमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, वही है, जो इस तो टाइम को यूटिलाइज करके वो कहीं ना कहीं अपना अच्छा हाँ कर हाँ और जाएंगे। कोविड ने एक अच्छा टाइम भी दिया है कोविड मैंने ने उसी बहुत पीरियड अच्छा में। टाइम बिल्कुल दिया है स्टूडेंट्स को, जिनको मैम, पढ़ना उसमें है मैं उनके नहीं लिए खींच बहुत ही बेनिफिशियल टाइम रहा है ये 2 आर का, 2.5 ईयर का, और वही है जिन्होंने वेस्ट करना है वो वेस्ट, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन टाइम पढ़ने के लिए एक सफिशियंट टाइम मिला है सबको, वरना तो इतना सबके टाइम पास नहीं मिल था, पाता है। वर्क फ्रॉम होम सबका था, सबके पास बिल्कुल सफिशियंट टाइम था। मैंने उस बिल्कुल पीरियड में टारगेट ये किया था नॉन टेक तैयार कर लूँ, तो नॉन टेक मेरा रेडी था और उससे मुझे बेनिफिट भी हुआ इस पीरियड में, और स्पेशली थैंक्स फॉर यूजीसी ज्ञान नेट कंप्यूटर साइंस, बिकॉज मैंने यहाँ से वीडियोस देख, मैंने आपको मैंने बोला जब भी मुझे एग्जाम होता है उससे पहले मैं स्मार्ट स्टडी में यही फॉलो करता हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप वो क्वेश्चंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आपके वीडियोज हैं उनको देख लें, तो आपको पता चल जाएगा मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट वीक हो रहा है, ये एक स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की। थैंक यू सुरजीत, थैंक यू सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे आपके मोटिवेशन से, आपकी सक्सेस स्टोरी से। इसी जी मैम तरीके से बिल्कुल, आप अपनी ऊंचाइयों को पाते रहें, और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से मेहनत करते रहें। भाई मेहनत करोगे तो एक न एक दिन जो है आपकी मेहनत सामने ज़रूर आएगी। लेट सही, कुछ टाइम लगेगा, ऐसा हो सकता है फेलियर मिले, एक बार मिले, 2 बार मिले, लेकिन कंसिस्टेंसी मत छोड़ो बीच में। अगर कंसिस्टेंसी छोड़ दिया, एक हफ्ता आप 1 आर पढ़ रहे हैं, दूसरे हफ्ते आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, चाहे 1 घंटा दो अपनी स्टडी को, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल मैम, रेगुलर टच में नहीं हो तो आपके फिर वो ऐसा नहीं है कि हमें सारे सब्जेक्ट याद हो जाते हैं, क्योंकि रेगुलर टच में इतने मतलब सारे सब्जेक्ट है। सबसे मेन बात है, इतने सारे सब्जेक्ट्स को याद रखना एक सबसे डिफिकल्ट टास्क है, तो जैसे उसके कंप्यूटर लिए बार साइंस बार जब में। बिल्कुल तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। तो भाई आप मैम, सभी को भी इसी तरीके से अपनी सक्सेस होना है, और आप लोगों को भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करनी है। सुरजीत जी के साथ
की स्टोरी सुन के काफ़ी अच्छा लगा। आई होप यू ऑल आर फीलिंग मोटिवेटेड। सो थैंक यू सुरजीत, अगेन थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।